खबर का आपको बता दें कि चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ में कांग्रेस का हल्लाबोल देखने को मिला। देश भर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता इस दौरान प्रदर्शन में शामिल हुए। महंगाई से आम जनता काफी त्रस्त है, कांग्रेस नेता का ये कहना है साफ तौर पर। तो बीजेपी में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कांग्रेस का हल्ला बोल, जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिला कांग्रेसियों का। और इसी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं सारे देश में जिस तरह से क्या अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। हमारे दफ्तर तक सील कर दिया, हम दफ्तरों से बाहर नहीं जा सकते। जहां जाते हैं वहीं पर पुलिस को आगे कर दिया जाता है, बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। जहां पर जो विरोध करते हैं तो उनको हिरासत में ले लिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज कोई बातचीत कर नहीं सकते, आज हम महंगाई पर बात नहीं कर सकते, आज हम बेरोजगारी पर बात नहीं कर सकते, अग्निपथ योजना के बारे में बात नहीं कर सकते, ढहती हुई अर्थव्यवस्था पर बात नहीं कर सकते। जिस तरह से जीएसटी का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को आज आम जनता जो है इससे त्रस्त है, उनकी आवाज़ को हम नहीं उठा सकते। आज ऐसा लगता है कि आज लोकतांत्रिक संस्थाओं की जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी आज प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और पूरे देश में जो अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, इससे पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी, लड़ेगी। और दोबारा से जब अंग्रेजों से हम नहीं डरे तो इनसे भी डरने का प्रश्न